तो आज मैं बहुत दिनों बाद व्लॉग बना रही हूँ। सो गाइस धनबाद में बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ गया है, तभी हम लोग के रूम में लगा है एसी। तो पापा आए हैं, यहाँ पे जादू दिखा रहे हैं। ए नहीं रहा। जादू शुरू होगा। अंशु का हाथ बंधा रहा। व्लॉग बना रही हूँ क्यों, आज मैं आई हूँ अपने ज्योति मौसी के घर। एवरीवन गुड मॉर्निंग, आप सबका फिर से एक नए व्लॉग में स्वागत है। सो दोस्तों आज मैं बहुत दिनों बाद व्लॉग बना रही हूँ। बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कि दीदी अब व्लॉग क्यों नहीं डाल रहे हैं, आप भी नहीं डाल रहे हैं, भैया भी व्लॉग नहीं डाल रहे हैं। तो कुछ पर्सनल रीजन की वजह से हम लोग नहीं बना रहे थे और मेरा तबीयत भी थोड़ा सा ठीक नहीं है, इस वजह से हम व्लॉग नहीं शूट कर रहे थे और ये भी नहीं व्लॉग बना रहे। देखिए गुड मॉर्निंग गाइस, हम भी 7 दिन से नहीं डाल रहे हैं, तो हम सोचे नहीं बनाते हैं, नहीं बनाने से बनाने का मन ही नहीं करता है। तो आज संडे का दिन है, अभी मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है और मेरा बीपी बहुत ज़्यादा लो हो जा रहा है, ना क्या हो रहा है, बहुत चक्कर चक्कर हमेशा लग रहा है। तो मेरे हस्बैंड कुछ मंगाए हैं पर इसका परमानेंट सोल्यूशन, बार बार तुमको कितना डॉक्टर के पास लेके जाएँ, घर में ही चेक करो। तो ये एक बीपी मशीन मंगवाए हैं, तो चलिए चेक करते हैं। मेरा अभी वो ऊपर में रखे, अभी मेरा बीपी कितना है, हार्ट रेट भी बता देता है। तो ये देखिए हम ऊपर में रख दिए हैं। और ये वाला छोटा सा बाबू देखिए, जो विशु भैया और हेमंत गिफ्ट किए थे एनिवर्सरी में, उसको यहाँ पर टांग दिए। तो ये देखिए बीपी मशीन, क्या इसको बोलते हैं, बीपी मीटर। तो चलिए चेक करते हैं। एसी फिटिंग मिस्त्री का कॉल आ रहा है, एसी लग जाएगा यहाँ पे अभी। तो चलिए ये अब डॉक्टर बन जाएंगे। कल सुबह से ही हमको बहुत चक्कर चक्कर लग रहा है, तो बीपी ना ठीक ही रहता है, फिर भी हमको ऐसा लगता है। बहुत इजी है। चलिए देखते हैं कितना है मेरा बीपी और हार्ट रेट। जा रहा है 118/70, ठीक ही है। हार्ट रेट 93, थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा। दबाव चेक करें। देखिए मेरा 118/69, ठीक ही है। अब हम डॉक्टर बन जाएंगे। दबा दो 131/86, हार्ट रेट 79। हार्ट रेट ठीक है तुम्हारा, 131/86 कैसे, अब सही है कि गलत, ठीक ही है, ज्यादा बता रहा है, थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा सा एक बार और अच्छा टाइट कर, बट एज के हिसाब से इतना तो मतलब रहता ही है ना, और 20 बार करने से। तो अभी बीपी चेक कर लिए, बीपी तो ठीक ही है बट फिर भी मुझे बहुत चक्कर आता है, पता नहीं क्यों। खैर, और आज मेरे मम्मी पापा आने वाले हैं हमसे मिलने के लिए। जब हम वहाँ थे ना तो कभी आते नहीं थे, कुछ ओकेज़न रहता था तो बस आते थे, खा के और चले जाते थे, ऐसे कभी मिलने नहीं आते थे। तो हम बहुत बोलते थे कि हम आते भी है खुद ही से, आ जाते हैं जाते भी खुद ही से। तो अब फाइनली हम थोड़ा सा दूर हो गए हैं, तो इतना दिन बाद अभी पूजा हुआ था उस दिन आए थे, उसके बाद आज आ रहे हैं हमको देखने के लिए। और अभी ये बैठे हुए, हम तो नहा वहाँ के फ्रेश होके बैठे हैं। अब बहुत मच्छर है धनबाद में, इतना मच्छर है ना, पूरा रात भर हम लोग को सोने नहीं मिलता है, इतना मच्छर। ऑल आउट चलता है लेकिन फिर भी बहुत मच्छर काटता है, मेरा तो पूरा हाथ वगैरह में पूरा लाल लाल कर दिया है। तो चलिए व्लॉग पे बने रहिए, मम्मी पापा आएंगे फिर आप लोगों को भी मिलाएंगे। धनबाद में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गया है, तभी हम लोग के रूम में लगा है ए सी। ये रहे धीरे धीरे लगे, बाहर का गेट का भी काम चल रहा है क्योंकि गाड़ी घुसाने में दिक्कत होता था, गेट पूरा खुलता नहीं था तो इन्हीं को दिक्कत होता था। चलिए आप लोग को गार्डन दिखाते हैं, मेरा प्यारा सा गार्डन ये रहा, छोटा छोटा है अभी, लगाए हैं 1 वीक ही हुआ है। ये रहा,
ये सनफ्लावर, इधर तुलसी का पौधा, पूजा करते हैं इसी में। देखिए इसमें फूल आया भी है बहुत सारा। तो ये है मेरा छोटा सा प्यारा सा गार्डन, इसे पानी देते हैं। चलिए आज बहुत दिनों के बाद काम भी शुरू हो रहा है। इतने दिनों से काम भी बंद था, मतलब होली के बाद मिस्त्री लोग आए ही नहीं, आए तो बहुत लेट से आए, तो आज से काम भी स्टार्ट हो रहा है सारा कुछ। सोफा भी देखिए जितना काम बना हुआ था उतना ही बना हुआ है, इसका भी काम, सारा काम रुका हुआ था, सब कुछ रुका हुआ था, इसलिए वीडियोस भी नहीं बना रहे थे, क्या ही दिखाते आप लोगों को। ऐसा देखिए गेट को खोल के रखा गया है, इसको थोड़ा सा फोल्ड वाला कर देंगे ताकि, एक सेकंड आप लोग को दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे खुलता ही नहीं था, ये पूरा देखिए पूरा हार्ड है, तो पूरा ये खुलता ही नहीं था, थोड़ा सा उधर भी नहीं जाता था, जिस वजह से गाड़ी घुसाने में थोड़ा दिक्कत होता था। और देखिए बहुत ही धूप है, बहुत कड़क धूप है, 40 डिग्री सेल्सियस अभी है यहाँ का टेम्परेचर। चलिए अंदर चलते हैं। ये सब पौधा यहाँ पे था, ये भी पूरा पैक हो गया, सारा पैक हो जाएगा पूरा धीरे धीरे। और ये सब सारा कार्टून भी हटाना है। चलिए तो गाइस इधर आ गई है अंशु, देखिए मोटा के साथ खेल रही है, इधर उधर खेल रही है। ठीक है, पापा वहाँ रूम में आराम कर रहे हैं, मम्मी छत गई हुई है, और मम्मी जा जाती है। नहीं मत जाना अकेले। अब मेरा इधर लंच बन गया है, अभी हम सलाद बना रहे हैं। चलिए इधर देखिए पापा भी है। तो गाइस फाइनली देख सकते हैं, इधर गाजर और खीरा काट लिए हैं, प्याज थोड़ी देर बाद काटेंगे क्योंकि उसमें स्मेल आ जाता है। मम्मी पापा हैं तो एकदम गर्म गर्म समोसा, एकदम खास्ता जलेबी ला दिए हैं। और क्या क्या है इधर, सब्जी है, साग है, घर का साग, खजूर, दोनों खजूर है, कुर्थी है। पापा आए हैं यहाँ पे जादू दिखा रहे हैं। हाँ ऐसा करते हैं, बोलो पानी गिरेगा कि नहीं? गिरेगा, नहीं गिरेगा। ए नहीं गिरा। पता है क्यों? क्यों? वैक्यूम बन गया कि नहीं? अच्छा हाँ, हवा हवा ले लिया ना। वाह, वो फट से करना पड़ेगा। तुम कर पाएगा? तुम नहीं, उसी गिर जाएगा। हाँ पापा को बहुत सारा जादू आता है। अब दूसरा जादू, इसमें आंसू को बांधना पड़ेगा, अब बांध के तुमको फेंक देंगे। और लाइट कट गया इसीलिए लाइट कम हो गया। चलो कैंची दो बाबा को, लो ले। अभी तैयारी चल रहा है जादू का, जादू शुरू होगा। अंशु का हाथ बंधा रहा है। क्या क्या हो रहा है पता नहीं। ए शांति से रह, इसमें फंसा देंगे, यहाँ से बांध देंगे। अच्छा कैसे खुल रही? खुल सकता है? कैसे खुलेगा? काटना भी नहीं है, मुड़ी घुसा के पार कर दो। रुक रे, ए रुक, शांति से रे। हमको बांधते तब ना हम खोल के दिखाते। तो जा तुम्हें बांधा लो, जा। अब एक्सपेरिमेंट हो रहा है सीनू पे, क्योंकि छटपटिया इंसान है। देखते हैं सीनू के पास दिमाग है या नहीं। यूज नहीं करते। हम यूज करेंगे
इतना तो है कि डैम के तो क्रॉस करना होगा। मुड़ी तो अंदर घुसा के नहीं हो, हाथ से टच भी नहीं करना है क्या? मजा नहीं मामी भी नहीं जानती है। आई सब सामान पापा पूजा दिन ही लाए थे, सोचा था सबको जादू दिखाएंगे। दिमाग लगाया जा रहा है, पेड़ आ जा रहा बीच में, पार कर लिया रे। अच्छा बीठा तो सही निकल गया। कैसे हुआ? हम तो देखा ही नहीं पाए। अच्छा जो हम लोग ऐसे बने से नहीं होगा, इधर से घुसा हाथ को पार कर देते हैं, हाथ से हाथ नहीं। बचपन में हम लोग मालूम से ऐसे ऐसे करते थे, हाथ निकालते थे फिर घुसा। अच्छा एवरीवन वेलकम टू न्यू व्लॉग। आज है मेरा व्लॉग बना रही हूँ क्यों, आज मैं आई हूँ अपने ज्योति मौसी के घर। पीछे और एक घर बन रहा है और आप लोग को बैक उधर आप लोग को दिखाती हूँ मौसी लोग का घर कैसा है। वो देखिए मौसी लोग का घर कितना कितना बड़ा है। अब चलिए आप लोग को अंदर दिखाते हैं। मौसी इधर है बाबा। अंदर चलते इधर इधर कितना मस्त फूल है, ये वाला मेरे को मस्त। इधर भी फूल है। अब हम चलते बाहर और इधर है अंशु पागल। हाँ पूरा खेल रही है। तो अभी लंच वगैरह हो गया, पापा से वहाँ पे लत को सेट करवा रहे हैं। इधर देखिए ये अविनाश भैया का घर है। बारिश हो रहा है तो हल्का बूंदा बूंदी हो रहा है, बादल भी करके रखा है। हो बहुत ज्यादा गर्मी है, थोड़ा कम होगा। चलो आ जाओ, पैर में लगेगा, आ जा। सो गाइस अभी फाइनली मम्मी पापा और अंशु घर चले गए हैं क्योंकि अंशु का कल से स्कूल स्टार्ट होने वाला है। वो क्लास वन चली गई है। देखते देखते कल ही हम व्लॉग देख रहे थे उसका फर्स्ट डे स्कूल का, इतनी छोटी सी थी और अभी क्लास वन चली है, बड़ी भी हो गई काफ़ी। तो सबका अपना अपना काम है और अच्छा लगा बहुत दिन बाद सबसे मिले। पापा बहुत सारा जादू दिखाए, फूल का पौधा सबको भी थोड़ा ठीक कर दिए और अभी रूम में बैठे हैं। मन तो नहीं लग रहा है क्योंकि वो लोग आए थे तो बहुत मतलब अच्छा लग रहा था, घर का माहौल बहुत अच्छा हो गया था। और ऐसे में क्या है ना, रूम में रहते हैं, अकेले रहते हैं, मेरे हस्बैंड रहते हैं साथ में तो कितना ही क्या बात करेंगे, वो भी अपना इधर उधर काम में बिजी रहते हैं। बाकी चलिए अभी फ़िलहाल एसी लग गया, देखिए एसी लग गया। बट जब एसी लगने वाला था मतलब लग गया था, उसके बाद लाइट कट गया, उसमें गैस डाला जाता है तो लाइट अब भी आया। वो लोग दो घंटा वेट किया और इतना लेट कभी लाइट नहीं करता है क्योंकि आज वेदर थोड़ा सा किया हुआ है आंधी तूफान का, इसीलिए पापा भी चले गए जल्दी क्योंकि उनको थोड़ा रात में दिक्कत होता है गाड़ी उड़ी चलाने में, तो इसीलिए हम भी रुके नहीं पर रुके थे इतना देर। तो अच्छा लगा बहुत ज़्यादा। अभी फ़िलहाल शाम हो गया, हम चाय भी पी लिए, पापा लोग को भी चाय भी दे दिए थे। तो अभी हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे क्योंकि आज हम दिन भर रेस्ट नहीं किए हैं। तो चलिए हम अब आराम करते हैं फिर। तो अभी नेक्स्ट डे मॉर्निंग है और वेदर काफ़ी अच्छा किया हुआ है। कल तो और व्लॉग को आगे कंटिन्यू नहीं किए क्योंकि मम्मी पापा लोग चले गए तो मन अच्छा नहीं लग रहा था और मेरे हस्बैंड भी चले गए थे अपने दोस्त लोग के साथ कहीं बाहर घूमने, तो हम घर बैठे बैठे और कहीं अभी बाहर भी नहीं जाते हैं तो क्या ही आप लोगों को व्लॉग दिखाएं। और बहुत सारे पर्सनल रीजंस भी है जिस वजह से नहीं व्लॉग करने का मन करता है, मन भी अच्छा नहीं रहता है। मन अच्छा नहीं होगा तो कुछ भी करने का मन नहीं करता है। तो देखेंगे जब सब सही हो जाए तो फिर कंटिन्यू व्लॉग आएगा। ये व्लॉग मैंने ऐसे अपडेट के लिए डाल दिया है कि मैं ठीक हूँ। बहुत तो एक दो कमेंट्स भी आए थे कि दीदी आप ठीक है ना, आपका व्लॉग नहीं आ रहा, रील्स भी नहीं आ रहा है। तो मैं ठीक हूँ, आएगा व्लॉग और रील्स भी आएगा, सारा कुछ आएगा। पर जब तक सब सही नहीं हो जाता तब तक तो पता नहीं, मन नहीं कर रहा है मेरा फिलहाल। और तबीयत भी सही नहीं है, तबीयत थोड़ा सा अच्छा हो जाए तो फिर व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। फिर भी आएगा व्लॉग ऐसे बीच बीच में,
तो आई होप आप लोगों को आज का ये प्यारा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बाय, टेक केयर।